5 किलो यूरिया खा गया हमारा कट्टे से। क्या इससे पहले जब BSP का राज था वहाँ पर शिक्षा थी? शिक्षा में सुधार था, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, सरकारी स्कूल चल, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। जब हम पढ़ते थे 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे, आज मौत में 200 भी नहीं जा। प्रधानमंत्री ये कह रहा पकौड़े तलो, रोजगार है। थी जब से भाजपा सरकार आई, सड़क पे पब्लिक का माफिया खत्म हो गया, लेकिन ऑफिसों में माफिया बढ़ गए। हर सरकारी ऑफिस में माफिया बैठा है, हर सरकारी ऑफिस में। जो किसी गरीब का काम 150 रुपये में हो जाता था, वो 1000-2000 में हो गया। बुलडोजर की बात आप करते हैं, सारी मीडिया बुलडोजर की बात करता है। बुलडोजर के लिए मैं कहना चाहूँगा, बुलडोजर ना महंगाई पे चला, ना भ्रष्टाचार पे चला। अगर वो चला तो कहीं ना कहीं मजबूरों पे चला। जो मजबूर है उन्हीं पे बुलडोजर चला है। कुलदीप सिंह सेंगर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जी? उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो साला बलात्कारी सिर पर बैठा रखा उसने योगी ने। और बहनचोद कह रहे हैं माफियाओं को वो कर रहे हैं, हम जो है बुलडोजर चला रहे। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर, आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज जो पिपली के अंदर अनाज मंडी है, उसके अंदर जन आक्रोश रैली है। उस रैली में के दौरान किसान यहां पर पहुंचे हैं भारी तादाद में। जो किसानों की जो मांगे हैं, वो क्या मांगे हैं और क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, वो आपसे इन्हीं से रूबरू करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आज की जो आपके जन आक्रोश रैली में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मांगे? भाई हमारी मेन मांग तो MSP की है जी, फसल का उचित मूल्य मिले, फसल से पहले रेट तय करे जा। और स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हमें फसल का रेट मिले जी। आपने ये एक तो पहली मांग बताई, आपने कहा उसके अंदर जो पोस्टर लगा उसमें 10 मजदूर या किसान का 10 लाख का बीमा। हाँ हाँ। तो आपने ये भी मांगे रखी जो तब आपने दिल्ली के तरफ घेराव करा था, चारों तरफ का घेराव करा था। जब आप वहाँ से किसान उठाए थे तो वहाँ पर MSP पर गारंटी तो दे दी थी सरकार ने। गारंटी तो दे दी थी लेकिन लागू तो नहीं हुई। अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा हमारी फसल के रेट का। अभी गन्ना जैसा हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, मैं मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष हूँ नकुल अहलावत जी, हमें अपनी गन्ने का रेट का ही नहीं पता। हमारे गन्ने का रेट किस रेट में जा रहा, रेट ही तय नहीं हुआ। और जबकि गन्ना अधिनियम अलग से बना हुआ है, तब ये हाल है। तो आपने पीछे भी रैली करी थी जब लाठीचार्ज हुई थी, अब भी रैली करे, कब तक किसान रैलियां करता रहेगा अपना रेट लेने के बारे में? भाई ये तो जब तक चलेगी, ये तो संघर्ष है, संघर्ष कर रहे। जो भी सरकार आ रही उसी के साथ संघर्ष करना पड़ रहा, करते रहेंगे जी। देखिए अभी कहा तो मौजूदा BJP सरकार है, हरियाणा के अंदर भी BJP सरकार है और UP के अंदर भी BJP सरकार है, सेंटर के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। क्या वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा? कुछ काम नहीं हो रहा वहाँ पर। क्यों? किसान विरोधी। जो हमारी जमीनी मुद्दा है वही सरकार हमारे छीनने के लिए तैयार हो रही है। किसान मजदूर बदहाल चल रहा है, इस टाइम क्या करेगा किसान? किसान दोबारा से आंदोलन करेगा, फिर आत्महत्या करेगा, फिर इसका सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वहाँ तो कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर तो चल रहा है लेकिन वो गरीबों पे, बेचारों पे, अत्याचारों पे, उन पे चल रहा है, महंगाई पे नहीं चल रहा। महंगाई पे नहीं चल रहा। और जो जो गोदी मीडिया वो दिखा रही है दोबारा फिर BJP, तीसरी बार फिर BJP। अब के नहीं आएगी BJP, जनता ने मन बदल लिया है, आपको इसको खत्म करना है, BJP को नस्तो नाबूद करना है। अभी आपने कहा BJP को खत्म करना है, तो अगली सरकार कौन सी चाहोगे? अगली सरकार अपने गठबंधन की जाओ, किसान के हित में काम करेगी, किसान हितौती होगी, उसको चाहेंगे हम, वो कोई भी आए। अभी मैं तमाम कुछ सरकारों के नाम गिनवाऊँ, आपने कांग्रेस ने वहाँ पर राज किया, तो BSP ने वहाँ पर राज किया और अब तमाम BJP चल रही है, इन तीनों सरकारों में से कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगी? किसी सरकार ने किसान के बारे में मत नहीं सोचा और ना ही सोच रही है जी। अखिलेश बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अखिलेश ने कैसा काम किया वहाँ पर? अखिलेश ने काम किया, अखिलेश के टाइम में जो किसानों का मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे जिंदा रहे जी। और उन्होंने किसानों के लिए काम भी किया जी। मायावती सरकार की बात करें, उन्होंने भी किसानों के लिए काम किया, गन्ने का वाजिब दाम भी मिला, टाइम से फैक्ट्री भी चली, टाइम से पैसा भी मिला। कांग्रेस के टाइम में भी गन्ने के दाम पहले ही पता लग जाते थे, बढ़ जाते थे, किसानों को वाजिब दाम मिलता था। लेकिन पिछले 9 साल से दूसरी योजना इनकी चालू होगी वहाँ पर प्रदेश सरकार की, किसान को पता ही नहीं लगता हमें पैसे क्या मिलने, क्या हमारा रेट तय होना, कैसे होना, कुछ कोई बताती ही नहीं सरकार, कोई घोषणा ही नहीं करती।
अभी जो है एक महीना लगभग हो जाएगा फैक्ट्री चलते हुए शुगर मिले वहाँ पे, कोई गन्ने का दाम ही तय नहीं कुछ। अब पिछले सालों के आपको क्या रेट मिले, गन्ने का क्या रेट मिला आपने, क्या आपके पास आए? 350 रुपये का रेट था पिछले साल पर क्विंटल। वो हमारा टाइम से हमारी खतौली शुगर मिल पड़ती है जी, टाइम से पेमेंट हुआ उसका मिल का, लगभग मिल बंद होने के एक महीने बाद सारा पेमेंट हो चुका था जी। इस बार भी पेमेंट तो उन्होंने शुरू कर दिया हमारी मिल ने तो, लेकिन पेमेंट पुराने रेट का ही है, नया रेट कोई तय नहीं है जी। जी अभी आपने देखा जो तमाम हालात चल रहे हैं बीजेपी, क्या आपको लगता है दोबारा आप बीजेपी को वोट दे पाओगे? भाई बीजेपी को तो हमने वोट पहले भी नहीं दिया ना, हम भी आपके बिन देने के तो विरोध कर। जितना नुकसान किसान का इस सरकार में हुआ इतना नुकसान कोई सी सरकार में हुआ नहीं, असलियत तो है यार। उन्होंने तो कहा हमने सारे अच्छे काम किए हैं। अच्छा काम, अब एक बात बताओ, मैं अपने मुंह से बोल लो जाऊंगा मैं अच्छा, मैं अच्छा जब आज लोग कहेंगे समाज कहेगा जब भी तो अच्छा रहूंगा मैं, अपने मुंह से तो सब मियां मिट्टू बनते फिर। यानी कि वो अपने मुंह से ही बड़ाई कर रहे हैं अपनी, यानी काम को मैं तो कोई एक काम गिनवा दो कि अब हमने अच्छा करा जी, किसान की फसल के संबंध में, किसान की फसल के बीमे के संबंध में, किसानों की दवाइयों के रेट के, खाद के रेट के संबंध में, बिजली रेट, बिजली के रेट और जो जितनी भी पेस्टिसाइड के रेट, खाद के रेट। खाद में तो उन्होंने ऐसा गेम खेला सेंटर ने हमारी साथ किसानों की कि हमारा 5 किलो खाद निकाल लिया, पहले 50 किलो आता था खाद में 45 किलो आने लगा कट। रेट वही है जो 50 किलो का था, वही 45 किलो आपका ही खा गई। हाँ 5 किलो यूरिया खा गई हमारा कट्टे से। मोदी मीडिया तो रुक के मार दे कि बाबा का बलडोजर चल रहा, करोड़ सुभाष चंद्रा के बाप करे बीजेपी सरकार ने। 28 चैनल, एक मिनट उसके कम से कम 27-28 चैनल है जी, और जिसके 5,000 करोड़ माफ हो गए हों तो वो किसके गाने गाओगी, वो सरकार के ही गाओगी जी। किसान को लूट के और इन्हें बढ़ावा दे रहे, ऐसे ऐसों को अपने गाने गुआ रहे जी, कुछ फायदा इन चीजों से? मीडिया जिस दिन ये सेंटर में की सरकार आई थी, अभी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अंबानी क्या, उन्हें कई करोड़ कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों पर तब बात आती है तभी लाठी चार्ज क्यों होती है? किसान कमजोर है, अंबानी को वे अपने बाप समान मान दे, हमारी जो है सब कुछ यही करेंगे भैया। पैसा है, चैनल है अडानी, पैसे में बिकी पड़ी न्यूज चैनल है 60 अडानी के। क्या लगता है ये हालात देखते हुए बीजेपी सरकार तीसरी बार आ पाएगी? बीजेपी सरकार तो कभी भी नहीं आनेगी, ये 100 साल के लिए गई, अब नहीं आनेगी। हम तीसरी बार फिर आ रहे हैं, अब नहीं आनेगी। जो जनता से गलती हुई थी दोबारा से अब नहीं आनेगी। बात मैं कहना चाह रहा जी, जो बीजेपी का आपको कह रहा हमारी सरकार, अरे मैं कहना चाह रहा 6 बातें हटा दो अपने अपनी जो उनकी सरकार है घोषणा है उसमें से 6 बातें निकाल दें सिर्फ, क्या हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान भारत, और उसके बाद चुनाव लड़के दिखा दो, उन पर मुद्दा क्या है बता दो, उनसे पूछ लो क्या मुद्दा है। कोई मुद्दे नहीं, कुछ मुद्दा नहीं है उन पर। जिस समय पहले सरकार बनी थी इनकी 2014 में सेंटर में 1100 करोड़ रुपए दे के इन्होंने सबसे पहले चैनल ही खरीदे थे मीडिया वालों के, उन्होंने डोनेट किए थे पैसे, वो डोनेट किए थे जब वापसी नहीं लेने, इतने में पूरे भारत के जो किसान है उनका कर्जा माफ हो जाता। लेकिन किसान विरोधी है, पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों को देना, किसानों पर तो राज करना, किसान को पद से बदतर हालत में पहुँचाने, किसान विरोधी सरकार है जी। आज तमाम युवा हैं जो देश के युवा वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, हाँ ये क्या कारण है? इसलिए भाग रहे हैं, यहाँ उनका भविष्य ही नहीं कुछ भी क्या था, किसान के बच्चे क्या थे, या तो किसानी करते थे या मिलिट्री में चले जाए थे, फौज इन्होंने खो दी, फौज तो गुलामी की तरफ ले गए, गुलाम बनाना इन्हें। 2000 वर्ग किलोमीटर पर साल चाइना हमारा क्षेत्र कब्जा ले जी, पर 600 उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 600 गाँव बसा दिए पिछले 2 साल में जी। तो फौजी तो कमज़ोर की और क्या किया ये, तो अगर इन्हें और 5 साल आपने दे दिए सेंटर में तो 5-7 प्रदेश चाइना को दे देंगे जी। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा पकोड़े तलो रोजगार है, अरे भले आदमी जो किसान बेचारा किसी तरह अपना 10-20 लाख रुपए लगा के अपने बेटे को MBA MCA वगैरह करवा होगा, वो पकोड़े तलने खतर करवा रहा, अपनी हड्डी का खून चुसवा के वो उसे बेटे को पढ़ा लिखा रहा, प्रधानमंत्री कह रहा पकोड़े तलो, तो वो बेचारा कहीं और ही जाएगा, यहाँ क्या करेगा फिर?
अब सही आपने अभी शिक्षा की बात कही, अगर शिक्षा की बात देखें तो हम हरियाणा राज्य से हैं, वहाँ पर शिक्षा एकदम जमा ठप है। जो प्राइवेट शिक्षा वो आज इतनी महंगी हो चुकी है कि जो गरीब आदमी किसान उसको ले नहीं पाता, अपने बच्चों को दे नहीं पाता। शिक्षा के बारे में क्या कहोगे? शिक्षा आज की तारीख में इस देश में दो तीन तरह के माफिया ही कामयाब है। शिक्षा माफिया, ड्रग माफिया तो यही कामयाब हो रहे, और ये एक बहुत बड़ा खेल है। इन्होंने सरकारी जो संस्थाएं थी जिनमें किसान के बच्चे कम पैसे दे के पढ़ सके थे, इन्होंने वो सब हैंग कर दिया सिस्टम। और अब जब मनमानी कीमत वसूली की जा रही, एक सरकारी स्कूल में तो बीएड टीचर होगा और प्राइवेट स्कूल में इंटर पास टीचर होगा, क्या वो इंटर पास बढ़िया पढ़ाओगा क्या वो बीएड वाला बढ़िया पढ़ाओगा? और फीस कई गुना प्राइवेट वाला फालतू लेगा, कई गुना क्या 100 गुना कम से कम। क्या इनसे पहले जब बीएसपी का राज था वहाँ पर शिक्षा थी? शिक्षा में सुधार था, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, सरकारी स्कूल चल, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। जब हम पढ़ते थे 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे, आज वहाँ में 200 भी नहीं जाते। बद से बदतर करा शिक्षा का स्तर, शिक्षा थी स्वास्थ्य की भी सुचारू रूप से, जिस एक और था इन सरकार से पहले जिसकी भी सरकार थी, जितने सरकारी ऑफिस थे यूपी के अंदर सब पे उसका कर्मचारी टाइम से पहुंचता था जी। और सरकारी ऑफिसों में लूट नहीं थी। जब से भाजपा सरकार आई सड़क पे पब्लिक का माफिया खत्म हो गया, लेकिन ऑफिसों में माफिया बढ़ गए। हर सरकारी ऑफिस में माफिया बैठा है, हर सरकारी ऑफिस में। जो किसी गरीब का काम 150 रुपये में हो जाता था वो 1000-2000 में हो गए, और रिश्वत इतनी बढ़ गई, इतनी रिश्वत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है यूपी में जी। और जब बुलडोजर की बात आप करते हैं, सारी मीडिया बुलडोजर की बात करता है, बुलडोजर के लिए मैं कहना चाहूँगा, बुलडोजर ना महंगाई पर चला ना भ्रष्टाचार पर चला, अगर वो चला तो कहीं ना कहीं मजबूरों पर चला। जो मजबूर है उन्हीं पर बुलडोजर चला है। कुलदीप सिंह सेंगर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जो अभी ये बन रहा था, ये जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था वो ब्रजभूषण शरण सिंह, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो साला बलात्कारी सिर पर बैठा रखा उसने योगी ने, और बहन चौथ कह रहे हैं हम माफियाओं को वो कर रहे हैं, हम जो है बुलडोजर चला रहे हैं, उन पर क्यों नहीं चला दिया? बाप है कहने के गरीब आदमी तो भाग के बुलडोजर चला रहे हैं। आपने जो तमाम उसकी यूपी की बात कही, मैं आपसे एक मुद्दे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्यों जब चुनाव आता है वो मुद्दा बहुत गर्माता है? आप हिंदू हो या मुस्लिम? हम हैं हिंदू जी, लेकिन एक मिनट सर, जब आप हिंदू हो हाँ। वहाँ पर मुस्लिम भी है, क्या आपका भाईचारा वहाँ पर हाँ। कैसा है? हमारा भाईचारा कायम है, जितने मुसलमान है वे सब हिंदुओं के भाई हैं, ये सारे नगर अध्यक्ष ये मुसलमान हमारे भाई हैं, और वहाँ कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम, सिर्फ नेताओं में और मीडिया में मुद्दा है। चुनाव आता है जब ये मुद्दा सबसे ज्यादा गुरमाता है हिंदू मुस्लिम का, क्या ये सिर्फ मीडिया जो गोदी मीडिया है और नेता है भाजपा के वो गरमाते हैं, पब्लिक में नहीं गरमाता। ये गरमाया जाता है कैसे, जैसे 42 सैनिक मरवा दिए थे चुनाव आने से पहले वहाँ पे पुलवामा में, वे साजिश थी, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई पूरी, क्यों ओपन नहीं हुआ आज तक? जो वो इन्होंने वो मरे थे वहाँ पे, वो हमारे ब्रिगेडियर वे रावत जी, आज तक उनके पता नहीं लगा हेलीकॉप्टर का उसके ब्लैक बॉक्स में क्या था, कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका, वो जांच कहाँ गई? इनसे पूछो जाके, मीडिया पूछो तो। अडानी के एयरपोर्ट पर 17,500 करोड़ की वो पकड़ी गई थी ड्रग्स, वो कहाँ गई? कहाँ कहाँ गई मीडिया उसको? मीडिया में बांटी है कहाँ बांटी? ये मीडिया बतावे ना, गोदी मीडिया कहाँ गई? ये मीडिया से सवाल पूछो आप। यानी कि सरकार चौथा स्तंभ बताते हैं मीडिया को, चौथा स्तंभ, लेकिन वो चौथा स्तंभ सबसे बड़ा लुटेरा है हिंदुस्तान का। अगर सरकार को कोई चीज़ लुटवा रहा है, मीडिया लुटवा रहा, मीडिया के कंधे पे बंदूक रख के खेल खेला जा रहा सरकार का जी। यानी कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आता ये एक ढकोसले होते हैं सरकार, ढकोसले हैं सीधम सीध हिंदू मुस्लिम, वहाँ कोई लड़ाई नहीं यूपी में हिंदू मुस्लिम की, जो भी होती है करवाते हैं, कराई जाती है साजिश के तहत जी। देखिए जो यूपी की जनता थी और हरियाणा में आज ये जन आक्रोश रैली में पहुंची थी, हमने इनके विचार रखे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।